सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, तो इस ब्लॉग में इस वक्त लड़की का फ्रीज आया है तो बहुत ही खुश है, तो इसी का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देखिए वो लड़का लगा है, काट पीट रहा है, जल्दी जल्दी काट। मिस्टर उपेंद्र की बीबी है, उसको काटा पीटा जा रहा है। सदिया का लिया के वही में रखब का फ्रिज वाला फिर मौगी के रखी हो का ये रख दे आइए इधर। अच्छा, आपके घर में फ्रिज आया है, आप क्या कहना चाहती हैं? फ्रिज कौन मर पड़ता बात है, कुछ लेकर आना चाहती है? पानी अब ठंडा नहीं पियेंगी? तब कहीं नहीं कह रही है कि अब आज के बाद ठंडा पानी पीने को मिलेगा। अरे तू यदा बीचे में आकर सगाई, तो ये मेरी दादी है, बीचे में आकर बोली गड़बड़ा दी। दादी हाय कदा हाय, तो फ्रिज का हो चुका है अनबॉक्सिंग। वाह 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 वाह, हेलो हेलो हेलो, कहाँ गए हैं जी सर? सुरेंद्र भैया कहाँ गए, नहीं खाना खिला आए? कहीं नहीं जा थे, नदी तरफ जा रहे थे घूमने। आए जी सर? कहीं नहीं। सो गाइस, तो अपने सुरेंद्र भैया खाना दो घंटे से खाते खाते अभी तो खा लिए, अब अपन चलते हैं पीसी पे बैठते हैं। और कुछ तो दिमाग गड़बड़ चल रहा है, तो चलिए देखते हैं। दिमाग 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 ठीक ठाक नहीं चल रहा है, रुकिए। ओ ठीक है, जाइए रहुआ। कितना टाइम लगी सुरेंद्र भैया, कितना टाइम लगी आए? ठीक है, ओ मंगल आए यार का आ गया। सुगाई तो मेरा दिमाग गड़बड़ चल रहा है यार, बहुत काही कहे। कुछ लोग मेरे शांति में बड़ी नाटक कर रहे हैं, बड़ी दिमाग खराब चल रहा है, इसलिए चलिए तो देखते हैं। ओहो शांतिमय और शांतिपूर्ण जय किशोर जी को सुनते हैं, तो चलिए उसके बाद आपसे कुछ देर बाद मिलते हैं यार। सुने अपने अंदर ले, नहीं वो तुरंत आपको बताएं मुझे कि रियल कुछ नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी ड्यूटीज अच्छे से ना लेकिन मैं उस इमोशंस को, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद वापस अपने घर जाना है। जिंदगी एक मूवी है, अपने रोल्स अच्छे से निभाओ, अपना 100% दो उस रोल को निभाने में, तो चाहे वो करियर में है, वो रिलेशनशिप में है, वो इंजॉयमेंट में भी है, कि आप खुश भी है तो अच्छे से खुश हो, लेकिन जो एक दिमाग में एक साइड में एक थॉट होना चाहिए कि सच कुछ भी नहीं, काम नहीं होता है, तो दूसरों को परेशान करने में लोग लगे ही होते हैं, तो चलिए कितना दिन तक रहेगा टेंशन, खत्म हो ही जाएगा। आप लोगों की सपोर्ट और सहायता रहेगा तो सब सही रहेगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। क्या हाँ हो जाएगा गाइस, तो मेरे मेन चैनल पर वीडियो नहीं जा रहा है यार, कैसे कि घर में काम लगा है, दो जगह काम लगा है, और इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब रह रहे हैं, और कुछ और भी प्रॉब्लम है जिससे डिस्टर्ब रह रहे हैं। कुछ लोग हमारे दिमाग खाने के चक्कर में पड़े हैं कुछ दिनों से, कुछ महीनों से,
वो भी प्रॉब्लम आज क्लियर ही कर दिए हैं। तो अब वीडियो डेली आएगा और घर वाला काम चल रहा है, तो इसमें शायद कुछ दिन और प्रॉब्लम चलेगा। ठीक है, तो अभी सुरेंद्र भैया नहीं है, तो अभी बैठे हैं यहीं पे उनके दुकान पे। चलिए तब तक सुनते हैं जया किशोरी जी को और कुछ कुछ सीखते हैं। सीखते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, काहे से कि हर व्यक्ति हर गुण से कभी फुल अप नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां रहती है। तो जब भी मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, चाहे दिमाग सही नहीं रहता है, तो मैं देखता हूँ जया किशोरी जी को, विकास विकृति सर को, खान सर को, जिससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, और संदीप महेश्वरी सर को। तो चलिए देखते हैं कुछ देर तक जया किशोरी जी को, नया इंटरव्यू रणवीर इलाहाबादिया के चैनल पे आया है, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद देखते हैं तो चलेंगे उधर घूमने, तो दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए तो कुछ देर तक अपन लोग देखते हैं जया किशोरी। कृष्णा सेंस नारद जी की क्या हुआ जाके पूछो उनसे, उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला ऐसे। सगाई यार, अगर आप अपने से बड़े बड़े लोगों को, सक्सेसफुल लोगों के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, अलग अलग स्पिरिचुअलिटी की तरफ या सक्सेस की तरफ की बातें सुनते हैं, तो आप जिस रास्ते पे चल रहे होते हैं उस रास्ते से रिलेटेड अगर आपको जो भी बात लगता है उसको अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करें, ताकि आप उस फील्ड में और बेहतर कर सकें। और किसी का वीडियो में कोई कुछ भी बोल रहा है तो उसको बिल्कुल ना लें, आपके फायदे का है, उसे अपने अंदर लाएं और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दें। ठीक है, और भाई सबकी नज़रिया देखने की अलग अलग तरीका होता है यार, कि कोई किस नज़रिए से देख रहा है, कोई फालतू इंटरटेनमेंट की तरह से देख रहा है, किसी को तो इंटरटेनमेंट पसंद है, और कोई व्यक्ति इसे अपने सही कार्य के लिए देख रहा है, उसे सही लगता है। तो मस्त है यार, आज देख रहे हों कि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, लेकिन सच में मेरा चेहरा थोड़ा डाउन है, ये हंस नहीं रहे हैं, तब हमेशा हंसते हंसते ब्लॉग करते हैं, देख सकते हैं यार। बहुत टेंशन है, और जो टेंशन के पीछे पड़े हैं मेरे टेंशन देने में, क्या करें यार, मेरी गलती है, छोड़ो वो सबके बारे में बात ही नहीं करते हैं। सो भाई, तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद बहुत लोग कहेंगे कि यार तुम सुरेंद्र भैया के नए काम करते हो या क्या करते हो, तो यार हम सुरेंद्र भैया के नए काम नहीं करते हैं, हमको जब खाली टाइम मिलता है तो यहाँ पे आते हैं, जिस लोगों को ऑनलाइन करना होता है, चाहे वो कहीं जाते हैं तो हमको फ़ोन कर देते हैं कि उपेंद्र जी खाली हैं तो आ जाइए, हम कहीं जा रहे हैं तो कुछ देर तक देखना और हम आ जाएंगे तो चले जाना। ऐसे हम एक दोस्ती के थ्रू रहते हैं यहाँ पे, और हम काम नहीं करते हैं, कोई लोग सोचिएगा नहीं कि इसे काम करते हैं हम यहाँ पे, नहीं, हमारे पास फ्री टाइम होता है तो हम आते हैं यहाँ पे बैठते हैं, कुछ सीखने को भी मिलता है, कौन सा फॉर्म कैसे ऑनलाइन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे फोटोशॉप चलाना है, ऐसे हम कंप्यूटर का क्लास नहीं किए हैं, बट ऐसे ही सारे कंप्यूटर प्रोसेस जानता हूँ। तो चलिए ठीक है, हाँ सुगाई, तो अभी अपन नीतीश जी होरहा भूंजने लगे, यहीं पे दुकान पे थे, सुरेंद्र भैया तो कर दिए लेट और हम नदी के तरफ गए नहीं, तो अभी होरहा भूंजने लगे, तो चलिए देखते हैं महाशय जी। सुगाई, तो ये हैं अपने नीतीश जी और होरहा भूंज रहे हैं, कहाँ से कि चल रहा है होरहा का सीजन, तो भूंजाएगा कुछ देर में तैयार हो जाएगा, तो हम लोग बैठ के मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे। क्या नीतीश जी, क्या हालचाल, बड़ा मजा आएगा ना होरहा खाने में? चलो ठीक है ठीक है। क्या बोलो से सुगाई, तो चलिए अपन ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कहानी से कि बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, और हम लोग खाते हैं होरहा।